अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉल भी रैंड नहीं हूँ वीडियो के साथ पब्लिक। तो सब के सब पहले अटेंडेंस लगवाओ और सब के सब जाके ठोक दो लाइक बटन पब्लिक। आज हम एम करेंगे 25,000 लाइक्स का। मुझे पता है अनोनिमस की पब्लिक कर देगी इंशाल्लाह। तो सुनाते हैं आपको सस्ती शायरी। अर्ज़ किया है कि 10 रुपये का पान है, 5 रुपये की छाली है। वाह 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 वाह। 10 रुपये का पान है, 5 रुपये की छाली है। छाली है जिसको हम कहते हैं। 10 रुपये का पान है, 5 रुपये की छाली है। जब मेरा दोस्त बोलता है मैं मर जाता हूँ, उसकी ज़बान बहुत काली है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोको लाइक बटन सबके सब। और गाइस, एक और बात आपको बतानी थी थोड़ी सीरियस वाली, कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, सही है, और उसका प्राइस 1 लाख है। और ना लाइक उसकी, अगर आपको आपका स्क्वाड है ना, आपको पार्टिसिपेट करना है। पेड टूर्नामेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो जूबी के चैनल पे उसने वीडियो अपलोड किया, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। जूबी की वीडियो आपको पता चल जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। और आप रेफरेंस कोड अगर स्टार क्लैन दोगे ना, तो मतलब आपको थोड़ा सा ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो तो जाके पार्टिसिपेट कर लेना। तो बाबा जी, हम अपने घर आए थे पोचिंग की और अकेले खेल रहे थे सोलो स्क्वाड। हमारे पास सीजन 3 का पैराशूट लगा है और दो दो मामे ही दे आए थे 4 करके। और उसके बाद हमने इनसे ले ली गन फाइट। अब ये दो बंदे थे बिल्कुल हमारे पास उतरे थे और मैंने इनका एक घर काट दिया गया कल इस्तेमाल करके ना, मिडिल वाला ले लिया ताकि ये आगे ना बढ़ पाएँ और उधर तक ही रह जाएँ और मेरे पास लूटने के लिए 2 घर हों। तो इस तरह हमने अकल इस्तेमाल की, 2 घर ले लिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर शुक्र है UMP मिल गई, सस्ती UMP। महंगी वाली की एमओ ऑरेंज होती थी, ये भाई वेक्टर की एमओ उसमें डाल दी, इसकी एमओ वेक्टर में डाल दी। सस्ते नशे पबजी के। और यहाँ पे हमारी फाइट हो जाएगी। आई से कैसे बाबा जी। उतरती मौत कुछ हुआ बिना हेलमेट के और से वापस आ गए हम और करेंगे इनकी लूट बाबा जी। अभी 2 बंदे का जोर बचे हुए हैं और अब मैं यहाँ पे बिना हेलमेट के उन पे कर रहा था रश। और बिना हेलमेट के अगर आपको AKM का भी 1 हेड लग जाए ना, तो आप मर जाओगे। और ये बड़ी ख़राब बात थी मेरे लिए। सामने बंदा मैंने देखा था तो मैंने इस पर रश करना चाहा, ये चिटोरी के अंदर भागा और लेफ्ट से उसका टीममेट आ जाएगा नंगू। नंगू को नॉक किया, मुझे लगा था ये नंगू को बचाने आएगा, बट ये ऊपर भाग गया। मैं नंगू को डराया 2-3 गोलियां मार के ताकि उसका टीममेट उसकी हेल्प करने आए और आ गया। अरे सर जी की रीलोड लगवाई मैंने और उसके बाद कन पट्टी पे मार के गोली क्रेट बनाया और इनकी दोनों के करेंगे लूट बाबा जी। उतरते ही चलो फाइट फाइट हो गई थी और बहुत जल्दी यहाँ पे हमने खाली कर दिया क्योंकि 4 ही बंदे थे अपने घर में। और जॉर्जन वो जा के हम लोग तंग आ गए थे, तो मैंने कहा अपनी पब्लिक को लेके जाते हैं हम अपने घर वापस से, जिसका नाम है पोचिंगकी। और उसके बाद हम अपनी M4 पे सामान लगाएंगे और उठाएंगे अपनी गधा गाड़ी। गधा गाड़ी अगर जिसको नहीं पता, उसको पंजाबी में खोता रेड़ा भी बोलते हैं, तो खोता रेड़ा। गधा गाड़ी अगर आपको नहीं समझ आती तो खोता रेड़ा, सही है, खोता रेड़ा। चलो आज के बाद उठाया अपना खोता रेड़ा हमने और जैसे यहाँ पे पहुँचे और तो मुझे साउंड आता है कि इस वाली बिल्डिंग में बंदा है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी कि उसके भागने का ऊपर साउंड आया था। और जैसे मैं अंदर जाने की ट्राई करता हूँ ना, और अभी मेरी हेल्थ भी कम हो गई थी गाइस, तो मैंने 2 बूस्टर मारने हैं। और वो जो बंदा है ना, वो ऊपर ना लेटा हुआ है और स्किट कर रहा है, लाइक लेट के ना मूव कर रहा है। तो साउंड आ रहा था कि वो लेट के मूव कर रहा है और डेफिनेटली वो छत पे लेटा होगा, नीचे तो लेटेगा नहीं कोई। तो मैं छत पे रश करने गया और ऊपर जाके मुझे पोजीशन तो नहीं पता था, बट साउंड राइट से आ रहा था। तो ऊपर जाने के बाद जब मैंने इसको देखा, लाइक थोड़ा सा टाइम लगा इसको देखने में कि यहाँ लेटा हुआ, उसके बाद मैंने 2 कान के नीचे से गोली लगाई बाबा जी, इसका क्रेड बनाया और करेंगे इसकी लूट। लूट करने के बाद बाबा जी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें और बंदे ढूंढने। ला। और आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है झूले वाली अपडेट आपको कैसी लगी पब्लिक, ये झूले वाली अपडेट ऊपर जाने वाली, मज़े की है वैसे, है ना। मैंने इसके ऊपर ना एक इंस्टाग्राम पे गाइस वो भी बना के डाली है, फ़नी वीडियो, अगर आपको देखनी है ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना प्लीज़, और फॉलो करके आ जाना। वो इंस्टाग्राम है @theanonymousxd और मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद गाइस हमारे थे अपना लेवल 3 उठाने के लिए ड्रॉप पे, क्योंकि वो आना ज़रूरी था, क्योंकि सोलो स्क्वाड में आपको पता है लेवल 3 नहीं उठाओगे तो आपके पिछवाड़े पे गोलियां पड़ेंगे। जैसे हम अपनी मेहरान गड्डी में यहाँ घूम रहे होते हैं बाबा जी, बग्गी पे 2-2 छिपकली पे 2-2 मामे हीरे जा रहे होते हैं, फिर हमने लगा दी दुड़की, हमने कहा ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे जाने देंगे, दिल में सवाल आती है।
और फिर हम यहाँ पे अपनी मेहरानगढ़ रोक देते हैं क्योंकि वो रुक जाएंगे वहाँ पे। और फिर मैंने कहा एक नॉक करके रश करता हूँ। तो भाई ये बंदा ऊपर कैम करके बैठा होता है। फिर मैंने कहा साइड पे आके नेड करता हूँ, और जैसे मैंने नेड निकाला उसको साउंड गया होगा कि नेड आया, उसने नीचे जम कर दिया। वापस से अंदर भागा और ऊपर भाग गया। बाबा जी ऐसे कैसे बड़ा बचने की कोशिश कर रहा था, कल इस्तेमाल कर रहा था, अपने टीममेट की जान नहीं बचा रहा था, अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था जंप वम करके, और इनके बाकी टीममेट पता नहीं कहाँ थे गाइस। तो हमने इन दोनों को किया फिनिश और करेंगे इनकी लूट और दोबारा यहाँ से घूमेंगे जाके करेंगे ड्रॉप कैम्प। जो कि ड्रॉप कैम्प करने में गाइस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ड्रॉप पर गाड़ी आती है, लूटने के लिए उनको कुछ आइडिया नहीं होता कहाँ से पड़ जाएगा। ब्रिज कैम्प में जितना मज़ा आता है ना गाइस उतना ही मज़ा आता है ड्रॉप कैम्प करने में। ओके तो उसके बाद हम मारेंगे यहाँ पे पेन किलर, जोन काफ़ी छोटा है, 52 और लाइफ से। और फिर हमने उठाई यहाँ पे अपनी गाड़ी मेहरान गद्दी, रोड उत्ते कड्डी लगाया, पांचवा गियर भगाई मेहरान गड्डी। नाउ वी आर चोइंग और मेहरान गद्दी एंड रोकिंग इन द घर बिकॉज ड्रॉप इज सज्जी साइड ते जमीन उत्ते प्या प्या सस्ती पंजाबी जाने दो। एंड नाउ गाड़ी इज कमिंग कमिंग एंड नॉट रुकिंग बिकॉज दे आर करिंग शक के बंदे इज होइंग सो दे आर नॉट रुकिंग। अब ये गाइज ऊपर चले गए थे और अब अकेले हमें इन चारों से लेनी है फाइट, दोबारा अलग स्क्वाड से फाइट लेने वाले हम। ऊपर ये हाइट पे पीक पीक कर रहे थे सारे, तो काफ़ी डैमेज दिया और आखिरी गोली शुक्र जब उसको लगी तो भैया नॉक हो गए, उनको डैमेज दिया लेकिन उन्होंने भी हमें डैमेज दिया। तो हमने कहा बस गैस जैसे आपको गोलियां पड़ने लगे ना ऐसे जैसे मुझे पड़ी थी, तो स्प्रे रोक दो वापस कवर में आ जाओ क्योंकि वो बंदा आप पर एम सेट कर चुका होता है। लाइक शुरू में ना बॉडी पर एम ले जाना मुश्किल होता है, जब बॉडी पर एम चला जाते ना जैसे हम लोग भी मारते हैं शुरू में बॉडी के ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका बॉडी पर एम चला जाता है तो ज़्यादातर गोलियां बॉडी पर लगती हैं। तो ऐसे ही होता है अगर सामने वाला आप पे स्प्रे कर रहा ना शुरू में मिस हुआ, जब आपकी बॉडी पे गोलियां लगे ना तो हट जाया करो। जैसे भी इसको मैंने मारा इसकी बॉडी पे जब गोलियां लगी ये हट गया, तो आप भी ऐसे ही किया करो। और यार एक गली में फिर सब्जी लो आ गया। एक तो मैं जब दिन में एडिट करता ना कभी टीन डब्बा वेच, कभी सब्जी लो, कभी केले लो, कभी लोए तो पतीसा, लैलन तो पतीसा, सुखियाँ रोटियाँ तो पतीसा, जोगर बूटा तो पतीसा, रद्दी अखबार तो पतीसा। ओके 500 दियाँ 4 चादरा आ गया। अब देखो नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, पक्के रंग दिया चादरा, 500 दियाँ 4 चादरा, बस लेनी है तो गाइस बताओ मुझे। लाल अब वीडियो भी नहीं बनाने देते भाई क्या। ओके सर जी ऐसे कैसे इनको हमने दूसरी बार नॉक किया, अब हम करेंगे इन पे रश और अब हम यहाँ पे करेंगे नेड क्योंकि नेड करना जरूरी है। वो देखो आहा हा हा सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, अकल इस्तेमाल करेंगे इनके पिछवाड़े फेंकेंगे नेड, 1 2 3 बूम फट गए। ओ गाइस 2 नॉक हो गए थे लॉल, अभी आखिरी बंदा बचा है जो कि गाड़ी लेके फ्लैंक मारने जा रहा था अकल इस्तेमाल करके हम पे। फ्लैंक मारोगे सर आप ऐसे कैसे फ्लैंक मारोगे आप, ये सब नॉक पड़े हैं, इनका किल उठाएंगे हम। और अब आखिरी बंदा बचा वो भी आ जाएगा ऊपर मारने के लिए गाड़ी रोक के, और इस बेचारे की तो हेल्थ कम थी गाइज, इसको मतलब एक हेडशॉट और एक दो बॉडी शॉट लगे थे ये मर गया, इसकी हेल्थ कम थी बेचारे की। तो उसके बाद गाइज हम मज़े से करते हैं लूट, और उसके बाद हम जाते हैं अनोनिमस हाउस की तरफ जहाँ एक पाकिस्तानी स्क्वाड पहले से बैठा हुआ है। और जैसे ही मैं रुका मेरी हेल्थ कम थी तो मैंने यहाँ पे बूस्ट मार लिया फाइट से पहले, अगर मैं गाड़ी से उतरता तो लाइक नेड आने थे तो मैं नहीं उतरा, मैं बैठे बैठे कर लिया, साउंड ले रहा था कि कोई बंदा रश तो नहीं कर रहा। उसके बाद गाइस हमने जब बूस्टर मार लिए बाबा जी तो हम आ गए उनसे फाइट लेने। यार सब्जी लो भाई मेरे चुप कर जा यार, तेरी तेरी मेहरबानी यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट।
ऊपर से गाइस वो नेड वेड निकाल रहे थे, और फिर हमने नेड निकाला ऊपर फेंका, लेकिन रास्ते में फट गया। फिर दूसरा निकाला, फिर ऊपर फेंका, उन्होंने भी नेड फेंका तो मैं साइड में भागा, शुक्र है बच गया। तो गाइस उसके बाद अब हम जो है ना सर्कल में भी नहीं है, और एक बंदा रश करने आ जाता है एकदम राइट से, साउंड आता है तो मैं यहाँ के टीपी भी लेता हूँ कि कहाँ आया ये रहा। ऐसे कैसे बाबा जी, अरसलान भैया ऐसे कैसे। फिर हम गाइस यहाँ पे एड्रेनलिन मार लेते हैं और बूस्ट मार लेते हैं। अब क्या सीन है कि पता नहीं इन्होंने गाड़ी लगाई होगी या क्या, और ये मुझे सीधा सीधा स्क्वाड से जाने भी नहीं देंगे। तो मैंने थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करने का फैसला किया कि अपनी मेहरान गड्डी उठा के ना लेफ्ट में जो रिवर है ना उसके साथ रिज है छोटा सा, ज़्यादा खेल तो आपको लाइक आइडिया होता है कि कौन सी जगह पे क्या है। अब वो सामने रिज है तो वहाँ जाके मैं गाड़ी लगा के वहाँ से एंगल लेके मारूंगा, एक को नॉक करूंगा और फिर रश करूंगा। तो ये मेरा आइडिया था, क्योंकि अब एक मिनट है, एक मिनट में अगर मैंने इनको नहीं मारा, इन्होंने मुझे नहीं मारा तो जोन आ जाएगा बाबा जी। तो इसलिए हम यहाँ पर आए, मेहरान गड्डी साइड लगाई और हम यहाँ से एंगल लेके एक को नॉक करने का ट्राई करेंगे। तो बाबा जी जैसे ही हमने नॉक किया जूलो 786 भैया को, फिर हमने करने का फैसला किया रश लगाया, पांचवा गियर करेंगे रश बाबा जी। और ये आई थिंक पूरे चार थे, मैंने दो को तो अभी एक को फिनिश किया, एक को नॉक किया, दो बंदे और हैं। वो आया भैया, भागो यहाँ से, उनको करो फिनिश। भाई पीछे जा रहा है, वहाँ से एंगल लेके मारेगा देखो। अच्छा ये भी अजीब ट्रिक होती है, लाइक एक बंदा ना दूर चला जाता है परफेक्ट चार्ली और दूर से एंगल लेके मारता है। एक बंदा, ये हमारे भाई बस के पीछे भाग रहे थे, और इनके आखिरी बंदे को हमने यहाँ पे जंप करके मारा। ये पाकिस्तानी स्क्वाड था हमारे भाइयों का, और मे बी ये हमारी पब्लिक के बंदे हो, तो लव यू गाइस। उसके बाद गाइस हमने अपनी ऑल लूट करनी है, जोन आ रहा है 35 मीटर जाना है, जितनी लूट कर सके। उसके बाद हम उठाएंगे अपनी खोता रेड़ा। ओ भाई खोता रेड़ा उठाना था, लेकिन तीन देर में बग्गी आ गई। ओके डैमेज हुआ काफ़ी पीछे वाला बंदा, इनकी बग्गी अटक जाती है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं एक को नॉक कर देता हूँ, दूसरा उधर ही है। पहले वो सोचेगा कि जाऊँ, लेकिन भाई देखो दोस्ती दोस्ती आपको नहीं जाने देती। तो भाई हमारे रुक गए रिवाइव देने के लिए। अरे 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 एम खराब हो गया। ओके नाइस, तो भाई रुक गए थे कि भाई आप ना हो तो हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, सस्ता रोना कह सकते हो आप इसको, लॉल। फिर गाइस हमने अपनी यहाँ पे लूट वूट की, एमो जैसी थोड़ी सी कम होती ना, पता नहीं क्या होने लग जाता मुझे, थोड़े से अलाइव में, और अभी मैंने 350 एमो उठा रखा है लॉल। फिर हमने अपना खोता रेड़ा उठाया, मारा डंडा, भगाया खोता रेड़ा, और फिर यहाँ पे हम गाइस आके साइड पे रुकेंगे, देखेंगे बंदे हैं तो बंदे होते हैं, तो इसलिए हम रुक जाते हैं। रुकने के बाद हम यहाँ पे गाइस ढूंढेंगे कि कहाँ हैं बंदे। दो बंदे थे यहाँ पे, और एक बंदा भाग रहा था पत्थर के पीछे। अरे सर ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको। अब ये लेफ्ट वाले घर के पास से साउंड आता है, यहाँ पे बंदा है, और वो सामने आके टीपी पे ले रहा है। आप मार के भी देख सकते हो, वो रहा ऊपर मैप में भी देख सकते हो आप मार कर रहे थे। तो हम बूस्ट मार लेते हैं फाइट से पहले, और वो वहाँ पर आया तो हमने यहाँ पर ट्राई किया कि उसको यहाँ पर नॉक करें बाबा जी, बट ऐसा कुछ गोली लगी नहीं उसको, वो भी डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, कैम कर रहा था। ओके यहाँ पर हमारे भाई लो हुए, तो यहाँ पे हमने मारी ये शॉटगन कान के नीचे, और वो हो गए नॉक। और ये हमारे पाकिस्तानी भैया पता नहीं क्या कर रहे थे, इन्होंने मुझे देख लिया था, बट गाइस ये ना रैंकुश वाले बंदे थे, लेकिन उन्होंने एस लगाना होगा हमारे पाकिस्तानी भैया। अब इनके टीममेट देखना कैसे आएंगे, उनको होश ही नहीं होगी, लाइक ये शुरू से सेफ खेल रहे होंगे बेचारे, वो कहाँ से भाग के आएगा। और मैं आ रहा हूँ अर्जुन, अर्जुन मैं आ रहा हूँ अर्जुन, करण जल्दी आ, अर्जुन मैं आ रहा हूँ अर्जुन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा अर्जुन लॉल। तो हमारे भाई आ रहे थे भाग के, इनको होश ही नहीं है, दुनिया की होश ही नहीं है, बस जाके रिवाइव देना। ओके यहाँ पे डैमेज पड़ता है इनको, और उसके बाद ये बैठ जाते हैं मज़े से जाके। आहा फिर हम पैन मारते हैं अपने भैया को, और मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। गाइस कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।